हेलो फ्रेंड, मैं गौरव शर्मा और आज हम इस वीडियो में जानेंगे लॉकडाउन में पढ़ाई छूट गई है उसको कैसे पूरा करें। जिन बच्चों का सिलेबस छूटा हुआ है वो बच्चे किस तरीके से पढ़ें कि कम समय में अपना पूरा सिलेबस पूरा कर पाएँ। कम समय में आपको ज़्यादा सिलेबस करना है क्योंकि आपके पास जो समय है इतना नहीं है और सिलेबस आपके पास जो 70% सिलेबस है, 30% कोरोना महामारी की वजह से आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। तो जो आपके पास जो 70% सिलेबस है उस 70% सिलेबस को किस तरीके से पढ़ा जाए कि कम समय में ज़्यादा अच्छे नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ पाए। कम समय में जो चीज़ हमें कवर करनी होगी वो आपको सबसे पहले आपको होंगे अपने चैप्टर के नेम। अगर आप लोगों को अपने चैप्टर के नेम के बारे में अच्छी तरह से पूरी तरह से जानकारी है कि इस चैप्टर में कितने नंबर का मार्क्स आएगा, कितने इम्पोर्टेंट है आपका चैप्टर है, अगर आप ये आप डिसाइड कर लेते हो तो आपको आपके सिलेबस को तैयार करने में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बड़ी ही आसानी से आप ये कवर कर सकते हो। आपको मालूम है कि आपका जो चैप्टर है इस चैप्टर में से 7 नंबर का आएगा पी ब्लॉक में से, या आपका 6 नंबर का आएगा, या आपका केमिकल काइनेटिक्स से आपका 4 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा, और आपका हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हेलो एन, ये आपका और जो ऑर्गेनिक है आपकी 26 नंबर की आएगी, है ना। तो ये अगर आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, किस चैप्टर में से लार्ज पोर्शन, किस चैप्टर में से कितना ज़्यादा पोर्शन आ रहा है, अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो तो आपकी आसानी, आपकी पढ़ाई है वो बहुत आसानी से हो जाएगी। और उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, कितने कितने नंबर के आ रहे हैं। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका मैक्सिमम मार्क आ रहे हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन चैप्टर से आ रहे हैं, उस चैप्टर को हेडिंग वाइज, जैसे कितने भी टॉपिक हैं उसके अंदर, 1, 2, 3, 4 जितने भी हों, उन टॉपिकों को आप एक अपने जो नोट्स बनाने से पहले उसको एक ब्लैंक पेज पे, फर्स्ट पेज पे यहाँ से एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करें। अगर आप उन टॉपिकों को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हो तो आपको जब चैप्टर पढ़ने के बाद जो प्रॉब्लम आएंगी वो केवल, अगर आप यहाँ पर आपके 10 टॉपिक हुए तो 10 टॉपिकों में से जो आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो केवल आपको 4 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको प्रॉब्लम है। तो 10 में से 4 टॉपिक में प्रॉब्लम है, लेकिन उन 4 टॉपिक की वजह से आपके माइंड में एक डर बैठ जाता है कि हमारा तो पूरा का पूरा चैप्टर गोल है। अगर आप फर्स्ट पेज पर अपने नोट्स बनाने से पहले अगर इस तरीके से आप उनको 10 पॉइंट्स को आप राइट कर लेते हो, लिख लेते हो, तो आपके 6 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। वो 4 टॉपिक होंगे वो आप अपने 4 टॉपिक केवल और केवल 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, किसी भी टीचर की हेल्प लेके, नेट की हेल्प लेके, वीडियो देख करके। आप कोई भी एक टॉपिक डालोगे वो टॉपिक आपका 5 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। तो यानी आपका जो टोटल चैप्टर है वो केवल आपका 20 मिनट के लिए है। एक बार आप चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम्स आएंगी 4 से 5 प्रॉब्लम आएंगी, यानी आधा घंटे में आप कर सकते हो। अब केमिस्ट्री में अच्छे नंबर कैसे लेके आए, ये तो ओवरऑल सभी सब्जेक्टों के लिए बात होगी, लेकिन केमिस्ट्री में अच्छे नंबर कैसे लेके आए। केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, फॉर्मूला लिखना सीखना पड़ेगा। यानी फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे आपको बुलाया CH3 तो आपका 3 नीचे बनाना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। आपको बोला कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेम साइज के बनाने हैं। यहाँ पर आपने अगर कार्बन और ऑक्सीजन को छोटा कर दिया तो ये आपका कोबाल्ट हो जाएगा और ये आपका गलत मेथड हो जाएगा। आपने बोला, अगर आपको बताया कि आपको कहीं क्लोरीन लिखना है, जैसे HCl लिखना है, आपने इस तरीके से लिखा, ठीक है, अगर आपने इस तरीके से लिख दिया H और Cl दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों वर्ड्स को, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी दोनों आपके लेटर हैं उनको आपको लिखना है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, सेकंड होता है वो आपका स्मॉल होता है, और सेकंड लेटर को फर्स्ट लेटर के बीच में स्पेस होता है। ये सब चीज़ें फॉर्मूले किस तरीके से, किस कितनी बैलेंसी है, फॉर्मूले अगर आप लिख लोगे
फिर ये आपका हो गया मेन पोर्शन। मेन पोर्शन के बाद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको उसके IUPAC आनी चाहिए। IUPAC के बाद आपको उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आनी चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म आपका 11th का पार्ट है, है ना, कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं, कैसे होती हैं, और उनके जो इफेक्ट हैं, रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये सब आप इफेक्ट जानोगे तो आपको हेलोएल्केन, हेलोएरिन, एमीन्स और कार्बोक्जिलिक एसिड, कीटोन, इन चैप्टरों में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जिसमें भी दिक्कत आए आप उनको नोट करेंगे, नोट करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट आप क्लियर करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक और बात, जो आपको नेमिंग रिएक्शन है आप पर डे अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज करेंगे, कि आपको पर डे एक नेमिंग रिएक्शन याद करनी है। एक नेमिंग रिएक्शन एक पेपर पे लिखो, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, वहाँ पर उसको चिपका लो। उसको जब भी दिन में आप जितनी बार अपनी डेस्क के पास जाएंगे, सबसे पहले उसको रीडिंग करो। उसको रीडिंग करने के बाद जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो। बार बार उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शंस हैं या तो आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए या अदरवाइज आपको लर्न होनी चाहिए। नेमिंग रिएक्शन का बहुत बड़ा पोर्शन आपका आपके सीधे सीधे प्रिंटेड आएगा, और नेमिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म, ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 101% आना ही आना है। जितना ज़्यादा आप उसका रिविजन कर लेंगे, उतना ही आपका रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे।